स्वर्गीय दिनेश शर्मा उस प्रतिभा के धनी है जो बिरलों में ही पाई जाती है। अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान दिनेश शर्मा ने कर्म साक्षी पत्रिका को समाज के हवाले किया, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा होती रही। कुछ समय बाद शर्मा जी का दुखद निधन हो गया, जिस वजह से पत्रिका को विराम देना पड़ा। अब खुशी की बात यह है कि उनकी पत्नी श्रीमती सरिता शर्मा ने इस पत्रिका के प्रकाशन का पुनः बीड़ा उठाया और रविवार 5 मई को पुनः पत्रिका का प्रकाशन विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर इंदौर प्रेस क्लब के पास एक रेस्टोरेंट में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकारिता जगत की हस्तियों का सम्मान भी किया गया। आज विमोचन कार्यक्रम में इंदौर प्रेस क्लब के महासचिव नवनीत शुक्ला, अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी, संजय माहेश्वरी, प्रवीण जोशी एवं संपादक सरिता शर्मा के कर कमलों से कर्म साक्षी का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकारिता जगत की हस्तियां, शर्मा परिवार के इष्ट मित्र एवं परिवारजन उपस्थित थे। आपने मंच को बुलाया और माँ की ममता महान होती है और माँ का मामत्व जो महान होता है और ममता जी ने सम्मानित किया शैलजा जी को। साक्षी अखबार था वो मेरे हस्बैंड श्री दिनेश शर्मा जी ने चालू करा था। उनकी हालांकि वो तो लेखनी के माँ सरस्वती का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। हालांकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद मेरे को भी प्राप्त हुआ है, पर मैं सिर्फ स्कूल और पढ़ाई तक सीमित रही और शायद इंदौर का कोई पत्रकार और कोई प्रेस ऐसी नहीं हो जो दिनेश शर्मा जी को नहीं जानते। जब मैंने ये विचार किया कि कर्म साक्षी को क्यों ना मेज भी चलाऊं और अब स्कूल में तो हुई पर मैं भी तो देखूं ना मेरी कलम चलती है या नहीं चलती है, तो मैंने इसका अपना एक दृढ़ निश्चय किया। हालांकि 2016 से बहुत परेशानी आई क्योंकि जो दिनेश शर्मा जी के जो ग्रुप के लोग थे 2015 में उन्होंने मुझसे कहा कि ये आप पेपर पे ये आप इस पे कागज़ पे साइन कर दें, ये पेपर हम लेना चाहते हैं।